नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो होने वाले हैं सीधे से सीधे बाइक ट्रांसफ़र के ऊपर कि आप कैसे घर बैठे ये सब सेवा को लाभ फ्री में कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। ऑनलाइन आप पहले आपको RTO का चक्कर लगाना पड़ता था, दलाल के थ्रू आप गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाते थे किसी और के नाम पे, या कोई सेकेंड हैंड बाइक लेने पे आपको ट्रांसफ़र करवाना पड़ता था RTO में जाकर दलाल को कागज़ देकर, या खुद से करवाने पे बहुत ज़्यादा ही झंझट था। तो अभी इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए आपके लिए एक वेबसाइट लाया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसको खोल लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए इंटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं अपना गाड़ी का नंबर डाल देता हूँ, देखिए यहाँ पे गाड़ी का नंबर जैसे ही डाला गया यहाँ पे सारा चीज़ आ गया, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है कि कहाँ का गाड़ी है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या सर्विस दिया हुआ है, जैसे पे योर टैक्स, अपना टैक्स पे कर सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी का ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, या फिर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एड्रेस इस पर, और यहाँ पे अप्लाई फॉर फिटनेस जैसे इसका रिन्यूअल करवा सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट भी निकलवा सकते हैं, या मतलब बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। RC कैंसिलेशन करवा सकते हैं, इसका सरेंडर कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को भी अपडेट कर सकते हैं RC बुक में। तो इसको देखिए क्या करना है, जैसे मैं मान लीजिए कि आपको गाड़ी ट्रांसफ़र करवाना है, इस पर क्लिक करना है दूसरे वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको चेसिस नंबर डालने के लिए बोलेगा जो कि लास्ट 5 डिजिट होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे डाल कर आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे जैसे ही डाला यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालने के लिए बोलेगा, ओनर का मोबाइल नंबर डालना है, जिनके नाम पे गाड़ी है उन्हीं का मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे। तो देखिए मैं यहाँ पे डाल कर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे डालने के बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको एक OTP आएगी, उस OTP को यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है मुझे क्योंकि मेरा नेट सही से काम नहीं कर रहा। तो मेरा यहाँ पे OTP आ गया है, मैं OTP यहाँ पे डाल देता हूँ, उसके बाद सबमिट करना है। उसके बाद जैसे ही सबमिट करते हैं यहाँ पे देखिए आपको आ गया स्टेप फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन ऐप। एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है, तो यहाँ पे फिलअप, सबसे पहले फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, उसके बाद RTO ऑफिस खाली जाना है सिर्फ अप्रूवल के लिए, आपको दलाल का चक्कर नहीं काटा है, सिर्फ अप्रूवल के लिए आपको वहाँ पे RTO ऑफिस में जाना है। तो चलिए उसके बाद ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, आपको जिसमें जो कराना है उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमको ओनरशिप के बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास NOC सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे आप फाइनेंस करके गाड़ी निकाले वहाँ पे NOC सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप यहाँ से जाकर ले सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। तो चलिए हमको यहाँ पर इसका ज़रूरत नहीं है, तो चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आपको डिटेल लाना है। जैसे देखिए चेंज ऑफ एड्रेस डिटेल, जैसे यहाँ पे एड्रेस डिटेल को चेंज करना है तो इसी में होगा। जैसे देखिए यहाँ पे पर्पस क्या है, आपको सेल करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ओनर नेम यहाँ पे डालना है, फादर का नेम डालना है, यहाँ पे सारा चीज़ ओनर का ही डेट डालना है। उसके बाद यहाँ पे सेल डेट डालना है, ठीक है, ट्रांसफ़र डिटेल। अब उसके बाद है देखिए एड्रेस डालना है, एड्रेस डालना है जिसके नाम, मतलब जो गाड़ी ले रहा है उसका एड्रेस पूरा यहाँ पे डालना है, और यहाँ भी उसी का एड्रेस डालना है जिसके नाम पे गाड़ी अभी खरीदा जा रहा है, जिसके नाम पर ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है उसी का नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस डिटेल डालना है, जैसे इंश्योरेंस अभी जो करवा के अभी रखे हुए होंगे वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको डिटेल आ जाएगा। अगर डिटेल नहीं आता है तो आप वहाँ अपना डिटेल यहाँ पे भर लें, अगर ऑनलाइन इंश्योरेंस करवाए होंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल ले लेगा। देखिए इतना करने के बाद आपको यहाँ पे आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, जैसे मुझे अभी करना नहीं है ट्रांसफ़र, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है हमको कि आपको ये चीज़ आपको भरना ही है, तो ये चीज़ भरने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। सिंपली पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलता है, रिसिप्ट लेकर आपको RTO ऑफिस जाना है। RTO ऑफिस जाने के बाद आपको वहाँ पे सिर्फ जाकर ऊपर जहाँ पे आपको RTO ऑफिस में ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे आपको पता कर लेना है कि ट्रांसफ़र वाले काउंटर कौन से हैं, वहाँ पे जाकर सिर्फ उस एप्लीकेशन का अप्रूवल करवाना है, वहाँ जमा करके चले आना है। आपको कुछ दिन में वहाँ बता दिया जाएगा, एप्लीकेशन पर लिख दिया जाएगा कितने दिन में आपका ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसमें मिनिमम 15 दिन या 14 दिन का टाइम लगता है, उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस एप्लीकेशन के जरिए, जैसे इस वेबसाइट के जरिए बहुत सारा ऐसा फ़ायदा ले सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि आपका एड्रेस चेंज ही करवाना है सिर्फ, तो उसका चेंज एड्रेस भी सिर्फ चेंज करवा सकते हैं आप। तो ऐसे करके आप बहुत सारा चीज़ इससे कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, ऑनलाइन ही कर सकते हैं, आपका किसी एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से एक वीडियो को लाइक कर दें और एक शेयर कर दें सबकी, ताकि वीडियो सबके पास पहुँच जाए, और नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए।